तो हमारे साथ है 28 जनवरी की बैच। यस सर। हमारे साथ है 28 जनवरी की बैच। यस सर। कौन कौन लाइए? यस सर। सब लाइए? यस सर। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ से हो भाई आप लोग? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल सर। कहाँ से हो? नेपाल से। कहाँ से हो? नेपाल से सर। नेपाल से हो? सर। तो क्या क्लास थी आज हमारी? आज हमारी ऑडियो क्लास थी सर। किनके साथ थी? देवराज सर के साथ सर। देवराज सर के साथ थी ऑडियो की क्लास। यस सर। तो ऑडियो की क्लास में सीपी वाइज पढ़ाया या मॉडल वाइज पढ़ाया आपको? सीपी वाइज सर। सीपी वाइज पढ़ाया आपको? सीपी वाइज पढ़ाया। अच्छा, तो सीपी वाइज में कोई सा कॉन्सेप्ट छूटा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। मीडिया टेक हो, कॉलकॉम हो, कोई भी नहीं, स्प्रेकडम हो या डायलॉग्स हो, कोई सा भी छूटा है क्या? नहीं सर। नॉर्मल भी है, स्मार्ट भी है। कौन कौन बना लेगा? नॉर्मल भी है, स्मार्ट भी है? सब बना लेंगे सर। सब बना लेंगे। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर सीपीयू तक अगर आपको जाना पड़े तो कौन कौन जा सकता है इसमें से? सीपीयू तक सब जा सकते हैं। चलिए ठीक है। तो आज गए थे आप सीपीयू तक? गए थे? डायग्राम भी बनाया आपने? सीपीयू तक गए थे? यस सर बिल्कुल। तो किस किस का आज ऑडियो बज गया? किस किस की बेल बज गई? घंटी बज गई सर। बज गई? यस सर। सबकी? यस सर। अगर कोई सा भी सेट आता है आपके पास तो आपके पास वो ट्रिक है? यस सर। आपके पास वो वोल्टेज का मेजरमेंट है? यस सर। और आपके नीचे एक डीएसओ रखा होगा? डीएसओ दिखाओ। वो फ्रीक्वेंसी आपके आपके नीचे रखा है? डीएसओ दिखाओ। डीएसओ दिखाओ भाई। आज सर फर्स्ट टाइम हमने डीएसओ की भी टेस्टिंग की। डीएसओ यूज करा आपने? यस सर। आपने बताइए। यस सर। ये डीएसओ का यूज करा आपने? यस सर। किस किस ने यूज करा? हम सब ने। सब ने यूज करा? सर। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसने यूज नहीं किया? नहीं सर। फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग भी सर पता चल गया? फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग भी पता चल गया आपको? तो डीएसओ से काम आसान होता है कि भारी होता है? आसान होता है सर। आसान होता है? यस सर। चलिए ठीक है। सबसे पहले रिव्यू लूंगा आपसे मैं। तो बताइए आज ऑडियो की क्लास आपको देव सर के साथ थी, किस प्रकार का नॉलेज मिला आपको? बहुत अच्छा मिला सर। आज सुबह से हमको ऑडियो का क्लास लिया, बाद में प्रैक्टिकल भी हुआ। अंदर से सब आईसी तक, आईसी के पेडलाइन तक। यस सर। रिंगर आईसी कहाँ कहाँ जा रही है? अगर सीपीयू में जा रही है तो सीपीयू के वर्ड ट्रेस करिए आपने। यस सर। अगर पावर से आपके ऑडियो आईसी के अंदर जा रही तो ट्रेस करी। अगर वीपीएस के 4 वोल्ट है तो वो ट्रेस करे थोड़ा आगे। वो भी किया सर। तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? अभी कोई स्मार्ट भी आता है, नॉर्मल भी आता तो बना सकते हो? नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 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 हो गया। चलो हो गया। बोलो आप लोग। ओ भाई पूछो अनिल एक साथ में। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा क्या क्लास थी आप लोगों की? सर आज हमारी ऑडियो की क्लास थी। आज ऑडियो की क्लास थी। किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ। अच्छा, तो बताइए मेरे को देव सर के साथ आपकी कितनी बजे क्लास थी? आज सर हमारी 11 बजे क्लास थी। कब तक चली आपकी? आप अपने से बताइए, आप भी क्लास में थे। ठीक है बताइए आप। हाँ यस सर। तो आज हमारी ऑडियो की थी और ऑडियो के साथ SMPA जो भी उसके सेक्शन में आते हैं तो सर ने पहले ऑडियो आईसी के बारे में पूरा डिटेलिंग में बताया, रिसीवर के बारे में पूरा बताया, फिर रिंगर के बारे में पूरा बताया और सर एंड टू स्टार्टिंग मतलब ऐसा होता है कि आपको अगर कोई ट्रैक जानते नहीं हो तो आप पूरे फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते, बट सर ने ना पूरा नॉलेज दिया कि ये ट्रैक कहाँ से आता है, कहाँ तक जाता है, सीपीयू कब सीपीयू रिवॉल्व करना, मतलब हर एक चीज कि कब क्या हो सकता है, तो जितना पॉसिबल हो सकता था ऑडियो में वो सब बताया। अच्छा, तो फिर उसके बाद 5 बजे के बाद क्लास खत्म हो गई थी क्या? नहीं सर, उसके बाद फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लास हो जाती है। अच्छा,
प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में सर हमने वोल्टेज ढूंढे कि ऑडियो को क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, क्या वोल्टेज मिलने से वो चलेगा, क्या नहीं मिलने से क्या खराबी होगी। फिर हमने पावर में देखा, मतलब जो जहाँ से भी कनेक्टिविटी कहीं से भी जुड़ता है ऑडियो का सिरा, वो सब सिरे को देखा ताकि करना दिक्कत है तो सिरे पे हम जाके ठीक कर सके उसको। आप उस रास्ते तक पहुंचे? यस सर, रास्ता देखा भी, रास्ता पहुंचा भी और प्रैक्टिस करके और अच्छा बन जाऊंगा सर। ठीक है, अभी DSO का इस्तेमाल किया आपने? सर जिंदगी में मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैंने DSO देखा है अपने कॉलेज में, बट मैंने मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में शायद ही मतलब फ्रीक्वेंसी तो कोई बात भी नहीं करता, और DSO तो सर ऐसा चीज है लोग समझते हैं साइंटिस्टों के लिए, तो DSO शायद ही कोई यूज करता, बट हमको कहा गया कि DSO तुमको मस्ट लेना है। और सर अरे आपने अभी प्रैक्टिकल में यूज करा कि नहीं करा ये मुझे? हाँ यस सर, वो जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है उसको नाप के ना कि पल्स आ रहे हैं कि नहीं, पल्स नहीं आने से खराबी है, बट बिना DSO के तो पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मल भी आता है, स्मार्ट भी आता है, बना पाओगे? हाँ यस सर। ठीक है, चलिए जी। सर हमारे आज सुबह 11 बजे से क्लास शुरू हुआ। ठीक है सर, हमने आज के ऑडियो सेशन का रिंगर की नॉर्मल रिंगर और स्मार्ट रिंग ऐसी में काम किया, और इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ से कितना वोल्टेज आता है, कितना आउटपुट होता है, और कौन सा केबल रजिस्टर लगे होते हैं, सभी के बारे में जाना है आज। ठीक है, और इसके बाद जो स्मार्ट ऐसी में जो बक कॉइल होते हैं इस पर कितना फ्रीक्वेंसी आता है, सभी आज चेक किया है। तो प्रैक्टिकल का टाइम मिला आपको पूरा? पर्याप्त टाइम? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा नाम मोहम्मद रिया, झारखंड से हूँ सर। हाँ जी सर, आज सुबह की क्लास में देव सर के साथ में ऑडियो की क्लास चली सर। हाँ जी, उसमें कैसे क्या ट्रैक नापा जाता है, कौन सा IC में कौन सा सप्लाई जाता है सर, ये सब बताया गया है। ठीक है, और अच्छा तो कितनी देर चली सर की क्लास आपके साथ? सर की क्लास सर पाँच घंटा चली, 11 बजे से 5 बजे तक 5 घंटे। ठीक है, फिर उसके बाद सर हार्डवेयर क्लास, फिर हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल किए। ठीक है, क्या लेवल से प्रैक्टिकल करा आपने? सर बहुत अच्छा लेवल से किए हैं सर, जो बताएं फिर यहाँ हम लोग ने किए, यहाँ के सर भी और जो थे वो साथ दिए हैं कैसे किया जाता है। अच्छा, CPU तक ट्रेस करा? यस सर, CPU तक। पक्का? पक्का सर। मजाक तो नहीं कर रहे हो? नो सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर, झूठ नहीं बोल रहे। चलिए, फ्रीक्वेंसी नापी आपने? DSO का इस्तेमाल करा? यस यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। में सर मेरा नाम संजय शाह है, मैं अगरतला से आया हूँ सर। आज देवदत्त के साथ सर ऑडियो क्लास था हमारा। हाँ। और सर नॉर्मल PA और स्मार्ट PA के बारे में पहले से पता नहीं चलता था, आज पता चला, और उसका क्या फॉल्ट होने से ऑडियो सेशन का क्या फॉल्ट होगा ये पूरा पता चल गया सर। अच्छा। बहुत अच्छा ही लगा सर। अच्छा, प्रैक्टिकल किया आपने? हाँ मैंने सर प्रैक्टिकल किया सर। कितने बोर्ड पर ट्रेस करा आपने? सर कितने बोर्ड पे? बोर्ड PC, हाँ कितनी PCB पर ट्रेस किया आपने? दो PCB पर ट्रेस किया आपने। स्मार्ट PA भी ट्रेस किया, नॉर्मल PA भी ट्रेस किया। हाँ सर। तो CPU के पॉइंट तक गया? हाँ सर, गया सर। रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट मिला सर। ये DSO रखा, इसका इस्तेमाल करा? हाँ सर। इसका इस्तेमाल करा आपने? हाँ सर। DSO का इस्तेमाल करा आपने? हाँ सर। तो समझ में आया आपको? सर पूरा समझ में आया सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ रही है। जी सर, मैं झारखंड से। हाँ जी, हेलो जी, जी मैं झारखंड से तैयब अंसारी। हाँ जी। जी सर, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक देव सर के साथ क्लास हुई सर ऑडियो सेशन के बारे में। जी। 6 घंटा लगातार थ्योरी का क्लास चला सर। हाँ। उसके बाद फिर वो पूरा डिटेलिंग में बताया सर, कौन सा लाइन किधर से जाता है वो पता पहले से नहीं था सर, सिर्फ ये जानते थे कि सिर्फ एक छोटी सी IC होती है रिंगर की, और उसके बारे में नहीं जान, आगे नहीं जानकारी था सर। अब बिल्कुल ये जानकारी पता चला कि कौन सी लाइन किधर जा रही है और कैसे ट्रेसिंग होती है, वो CPU तक भी जाती है और पावर तक भी जाती है, और 1.8 की लाइन भी आती है CPU से रिंगर IC तक। बराबर है ना, EN सिग्नल होता है ये सर, तो वो बिल्कुल जानकारी नहीं था सर। तो वो पूरा फिर क्या बोलते हैं हार्डवेयर की क्लास में फिर उधर से आने के बाद पूरा चेक किया सर अपने से सर, दो PC में चेक किया सर। अच्छा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ऑडियो का कोई भी सेशन, जैसे अगर मेरे सामने
फेस होता है तो वो क्लियर हो जाएगा सर। बना सकते हो आप? यस सर। तो स्मार्ट पीओ नॉर्मल पीओ आप बना सकते हो? यस सर। तो आपने वोल्टेजेस चेक किए सर? यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी चेक फ्रीक्वेंसी भी ये डीएसओ मशीन से चेक किया सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा कुणाल कुमार झारखंड से। हाँ जी कुणाल। हाँ जी सर, अजय देव सर के साथ सुबह 11 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिकल का क्लास चला सर, ने थ्योरी का क्लास चला, उसके बाद ऑडियो सेक्शन का पूरा जो सेक्शन होता है टीम लेवल पे वो सब समझाया गया, बताया गया। और उसके बाद सर हमें तो ये पता ही नहीं था कि सीपीयू से भी प्रॉब्लम हो सकता था। हम आज तक तो रिंगर ही चेंज करके दुकान चला रहे थे सर, लेकिन आज हमारा सीपीयू लेवल तक भी पहुँच सकते हैं सर ऑडियो सेक्शन के लिए। तो आप सीपीयू में गए आज? यस सर। अंदर तक ट्रेस करा? यस सर, अंदर तक ट्रेस किया सर। सीपीयू के कौन से नंबर की बॉल पे आपका कनेक्शन है, ईएन सिग्नल का मालूम पड़ा? सब मालूम पड़ा सर। ऐसो का ये भी बना लिया सर, डेटा सेट भी बना लिया सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा सर। कोई दुकान पे अगर स्मार्ट पी आता है नॉर्मल पी आता तो खाली जाएगा क्या? नो सर, ऐसा कोई आज के बाद ऐसा कोई फॉल्ट आएगा स्पीकर की प्रॉब्लम में तो कोई वापस नहीं जा सर। डीएसओ का इस्तेमाल किया? यस सर, डीएसओ का इस्तेमाल तो सर पहली बार किया, आज तक जानते भी नहीं थे डीएसओ होता क्या है, आज पहली बार इस्तेमाल भी किया सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, मेरा नाम कैश रजा है, मैं बिहार से हूँ सर। हाँ जी। आज देव सर के साथ सर 11 बजे से हमारी ऑडियो सेक्शन की क्लास है सर। हाँ जी। इसमें हमको ऑडियो सेक्शन से आने वाली खराबियों के बारे में सर पूरा डिटेल से बताया गया और बहुत अच्छे से बताया गया सर। वो लाइन कौन सी लाइन कहाँ जाती है सर, सीपीयू में कौन से लाइन पे कौन सा सिग्नल आती है सर, पूरा जानकारी मिला सर आज। और हमने सर 5 बजे फिर प्रैक्टिकल का भी क्लास किया जिसमें हमने लाइन भी ट्रेस किया सर और सीपीयू में पूरा ट्रेस किया सर। सीपीयू पावर ऑडियो आईसी सारा ट्रेस किया? सारा ट्रेस किया सर। और वोल्टेज भी नापा सर अपने आईसी सर्किट में सर। अच्छा, तो अगर आपके पास अगर स्मार्ट भी आ जाता है, आपने आईसी भी चेंज कर दी, आपने सारी सप्लाई भी बना दी, अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो वो कौन सी लाइन है जो सीपीयू से वो आप ट्रेस कर सकते हो? यस सर, ट्रेस कर सकता हूँ सर पूरी से। तो हमने सर डाटा सीट भी बनाया और ये डीएसओ का इस्तेमाल करके सर वो चेक भी किया सर। चलिए, तो ये डीएसओ आप पहले से इस्तेमाल करते हैं या पहली बार किया? पहली बार किया सर, इसके बारे में जानकारी भी मिला सर जैसे चेक होता है। तो आपके घर वाले यहाँ छोड़ के गए आपको जिस काम के लिए, तो वो काम आपका पूरा हो रहा है? हो रहा है सर, पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है सर। चलिए ठीक है। जी मैं सौरभ कुमार बिहार से हूँ सर। हाँ जी। आज सुबह मैंने आया सर, सबसे पहले देव सर के साथ क्लास थी 11 बजे से 5 बजे तक सर। ऑडियो सेक्शन का जितना भी है सर शुरू से लास्ट तक पूरा सर फ्रंट कर दिया थ्योरी क्लास में। उसके बाद सर 5 बजे से आए तो प्रैक्टिकल में सर आज भी एक नया निंजा टेक्निक सर मिला हमको, ठीक है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सर मैंने मैक्रो जंपर भी किया सर। अच्छा। सारी टेस्ट करके उसके बाद डीएसओ मशीन भी यूज किए। अच्छा, तो अभी स्मार्ट पी आता है नॉर्मल पी आता है तो आप बना सकते हो? यस। रिंगर बना सकते हो? yes, आप उसका आवाज ला सकते हो उसकी? यस सर। यस, तरीका है आपके पास एकदम? फ्रीक्वेंसी वाइज, जीआर वाइज, वोल्टेज वाइज? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट फोर आइए। हमारे साथ क्लास था जो स्मार्ट पी है और ऑडियो पे के बारे में बताया, डीपली बताया और बहुत बढ़िया था क्लास। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद 5 बजे हमारा प्रैक्टिकल क्लास था और प्रैक्टिकल क्लास में माइक्रो जंपिंग और माइक्रो जंपरिंग नहीं बोलते उसको, जंपर लगा के हमने ट्रेसिंग करा उसको। हाँ, माइक्रो जंपर लगाया था। हाँ। और डीएसओ के बारे में। अच्छा, रिंगर आईसी अगर सीपीयू में जाती है तो आपको मालूम है कौन सी बॉल पे जाती है? जी सर, ये मालूम है। अगर आरडी आईसी में अगर आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हो? जी सर, ढूंढ सकते हो। कौन से कंपोनेंट से हो गया थी ये मालूम है आपको? हां सर, पूरा क्लियर हुआ, क्लियरली ढूंढ सकता हूं। क्लियरली मालूम जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी सर, मेरा नाम ओम प्रकाश केसरवानी, उत्तराखंड यूपी फतेहपुर से हूं जी। आज सर हमारी ऑडियो की क्लास थी, ऑडियो सेक्शन में देव सर के साथ था, आज हम लोगों 6 घंटे क्लास थी सर। उसमें सर ने बहुत अच्छे तरह से बारीकी से एकदम समझाया सर।
पाँच बजे के बाद फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल की क्लास की, उसमें फिर एक एक चीज़ की फाइंडिंग की, सीपीयू तक इनले पूरा सर्किट को हमने ट्रेस किया। अब इसके ऊपर पूछ रहे क्या, इसके ऊपर एक आईसी से, एक रिंगर संबंधित आईसी से आप जहाँ जहाँ कनेक्शन जा रहे हैं वहाँ वहाँ गए कि नहीं गया, पूरा टोटल उसके बीच में कौन से कंपोनेंट आते हैं वो आपने देखा कि नहीं देखा, सब कुछ ट्रेस किया सर, ट्रेस किया। अब इसके ऊपर पूछे क्या, इसके ऊपर तो नहीं सर। चलिए नमस्कार सर, मेरा नाम दिलीप है। नमस्कार जी, बोलिए। तो आज हमारी क्लास ऑडियो सेक्शन की थी, और ऑडियो सेक्शन बोले तो साउंड जो आता है मोबाइल में, जिस तरह के भी साउंड आए वो पहले तो हम लोग को पता था कि अगर साउंड नहीं आ रही है तो स्पीकर चेंज करना है। कम आती थी या थोड़ी झगड़ाहट टाइप की आती थी तो हम लोग स्पीकर चेंज करते थे, लेकिन वो भी ठीक नहीं होती थी, बराबर। तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते थे, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या करें। लेकिन आज पता चला कि वो फॉल्ट कहाँ से आती है, बराबर। एकदम आपने आईसी भी चेंज कर दी, आपने सीपीयू को भी रिवाइव कर दिया है ना, हाँ, और वोल्टेज भी सारे सही आ रहे हैं आपके, हाँ। है ना, उसके बाद भी अगर आवाज में ट्रबल शूटिंग आती है, ट्रबल आती है तो आप उसको बना सकते हो। हाँ, अब बना फोन वाले जाए, अब बना सकते। अच्छा, पेट टू पेट ट्रेसिंग करी आपने? हाँ, आज पूरे कर लिया सर, पेट टू पेट, पेट टू पेट, पेट टू पेट। अच्छा, इसके ऊपर कुछ है, सीपीयू निकाल के उसके बाद करी सर। अच्छा, इसके ऊपर कुछ है? नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता आज सर। जैसे आपने बताया जब हम लोग ने प्रैक्टिकल की क्लास की, उससे पहले तो देव सर ने जो हम लोग की थ्योरी क्लास थी उसमें तो ए टू जेड समझा ही दिया था, बराबर। लेकिन बोर्ड पे कैसे करना था ये मालूम नहीं, बराबर सर, उसी के लिए तो क्लास रखी है। तो ये प्रैक्टिकल के क्लास में इस तरह से हम लोग ने समझा कि जो थ्योरी में बताया गया वही हम लोग ने प्रैक्टिकल में किया, तो एकदम ए टू जेड समझ में आ गया, पूरा मैच जो सर ने बताया वो यहाँ पे पूरा मैच हुआ, पूरा मैच हो गया। अच्छा, स्मार्ट पीए में अगर दिक्कत आती है, आपने स्मार्ट पीए चेंज कर दिया, आपके वोल्टेज भी सही आ रहे हैं, है ना, सब कुछ सही आ रहा है, तो क्या आप सीपीयू, आप स्मार्ट पीए और सीपीयू के बीच में जो लाइनें डली उसको चेक करने का हुनर है आपके पास? आपको सारी लाइनें मालूम है? एकदम मालूम है, पूरी मालूम है, पूरी मालूम है। आप उसको चेक कर सकते हो? एकदम चेक कर सकता हूँ और ठीक भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मेरा नाम है वाजिद शेख। हाँ जी, सुबह देव सर के साथ में क्लास थी जी, 6 घंटे क्लास चली। देव सर ने बताया, ऑडियो सेक्शन की क्लास थी, देव सर ने बताया क्या सीपीयू वाइज कहाँ से कैसे प्रेस कर सकते हैं आप जी, पूरी डिटेल में बताया सर, प्रेस कर सकते हैं आपको पूरी डिटेल में बताया। तो दोनों आपको पीए बताया और खाली क्या सीपीयू वाइज बताया कि मॉडल वाइज बताया? सीपीयू वाइज सर, सीपीयू वाइज। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीपीयू वाइज पढ़ रहे हैं, मॉडल वाइज? मॉडल वाइज प्रेस किया नहीं जाता सर, सीपीयू वाइज ही किया, सीपीयू वाइज किया जाता है, ये सर ने बताया आज हमारे को, बराबर है। तो अब ये बताइए मेरे को कि अब ऑडियो सेक्शंस को बड़ी स्मार्ट की हो, नॉर्मल की हो, क्या तरीका है देखने का आपके पास? सर, पहले तो स्पीकर रिंगर इसके लिए कोई प्रॉब्लम आता रहा तो सिर्फ हम स्पीकर बदलते थे, रिंगर बदलते थे, नॉर्मली रजिस्टर वगैरह कोई टूटा फूटा दिखा तो बस वहाँ था, बाकी उसके आगे की लाइन हमको नहीं पता। देव सर ने आज हमारे को सीपीयू वाइज बताया कौन सा सीपीयू किस में कौन सा रहता है, सब बताया सर सर ने, जी सर। तो उसी का प्रैक्टिकल करा जी सर, वहाँ से आने के बाद में उधर 6 घंटे देने के बाद में 5 घंटे प्रैक्टिकल किया, ऐसा नहीं किया भाई दूसरे दिन किया तीसरे दिन किया, उसी दिन किया तो दिमाग में रहता है, वहां से सीख कर आने के बाद लगे प्रैक्टिकल करना, दिमाग में जल्दी बैठता है। फिर 5 घंटे जेडीएम सर के, एसएम सर के साथ में प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद में सीपीयू वाइज वगैरह जो दिखाया था सर ने, फिर उसके बाद ये मशीन का उसका इस्तेमाल किया, डीएसओ का इस्तेमाल किया। तो डीएसओ का इस्तेमाल इसके पहले कभी किया था आपने? नहीं सर, पहली बार देखा हूँ। कैसा लगा? एकदम बढ़िया, काम की चीज है कि नहीं है सर? एकदम 100% काम की चीज़, काम की चीज़ है। हमने चेक किया सर, ऑडियो बजा के चेक किया, डीएसओ का इस्तेमाल। अच्छा, डीएसओ कौन कौन परचेस करेगा? आप सब करेंगे, काम की चीज है, काम की चीज का काम कब मालूम होता है जब हम उसका उपयोग करते हैं सर? अभी तो उसके में समझने आ गई ना हमारे, बराबर है, समझ में आ गई ना, है ना, हमारा घंटों का काम मिनटों में जाता है ना, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक जगह चेक कर लेंगे हमारी ऐसी सही है। सर, अगर कभी ये प्रॉब्लम रिंगर वगैरह का हमारे को ढूंढना रहता, अगर कस्टमर हमारे पास दोपहर तक देखे जाता तो हम उसको 3-4 दिन बोल देते। अच्छा, रिंगर को 3-4 दिन बोल देते? अभी हमारे को समझ में आ गया ना कि ये काम मिनटों का है। अभी क्या लेवल होगा तुम्हारा? एकदम बढ़िया सर, अभी तो नजर ही कुछ अलग हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आइए। हेलो जी, नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षराज है। हर्षराज, आप महाराष्ट्र से हो? जी सर जी। चलिए बताइए,
सर आज ऑडियो सेक्शन के बारे में देव सर ने हमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है जी, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, जैसे हम कौन से वोल्टेज कहाँ तक हमको मिलने हैं और हम डीएसओ से भी कुछ सिग्नल उसमें चेक कर सकते हैं, तो ये पहली बार देखा कि डीएसओ से भी मोबाइल में रिपेयरिंग किया जा सकता है। बराबर है जी सर। क्या क्या है आज आपको मेहनत अहमियत मालूम हुई डीएसओ की? जी बिल्कुल, आपकी रिपेयरिंग के सामने साथ में अगर एसएमडी रखा है, माइक्रोस्कोप रखा है, डीसी मशीन रखी है, तो साथ में क्या होना चाहिए? डीएसओ होना चाहिए। डीएसओ भी होना चाहिए जी सर, अहमियत मालूम पड़ी होगी जी सर, है ना। हमारा जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है, और हमारी हमारी लाइन की रिक्वायरमेंट है, जितना जल्दी हम काम करके देंगे हमारा शॉप उतना चलेगा, हमारा नाम उतना बढ़ेगा। Yes, और जो इस टाइप के अगर आपके पास पावरफुल टूल होंगे तो आपकी दुकान की शोभा, आपकी भी शोभा बढ़ती है उसके अंदर। Yes, है ना, आप एक प्राइम टेक्नीशियन की गिनती में श्रेणी में आते हैं आप। जी सर। तो आप प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? सर मैंने लाइन ट्रेसिंग किया जी, जो पी एस ए आया है और रिंगर तक जा रहा है अपना जी, जी आर चेक किए ठीक है, और स्मार्ट पी ए और नॉर्मल पी ए वो भी चेक किया। स्मार्ट पी नॉर्मल पी दोनों चेक किया जी सर। तो अभी मैं बात करूँ वोल्टेज वाइज, डी आर वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज, तो कोई दिक्कत होगी क्या? जी बिल्कुल नहीं। अभी शॉप पे सर कोई सा भी अगर नॉर्मल पी है स्मार्ट पी हो तो रिटर्न जाएगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं जाएगा। और सर ने तो इतना भी बताया कि कौन सी यूनिवर्सल आईसी रहती है, अगर हमको वो आईसी उसका अगर अपने अपने को डायग्राम नहीं मिल रहा है तो उसका यूनिवर्सल आईसी से कैसे हमको सॉफ्टवेयर में देखना है। बराबर। यस सर, वो भी पढ़ने का सब कुछ डिटेल में सर ने बताया आज। बराबर, चलिए थैंक यू। यस नेक्स्ट वन। हेलो सर। हाँ जी। मैं अनिल ठाकरे महाराष्ट्र से हूँ सर। हाँ जी। आज हमारा 11 बजे से 5 बजे तक एडियो सेक्शन का क्लास था सर, देव सर के साथ, तो बहुत अच्छा पढ़ाया सर। हाँ जी। बाद में 5 बजे से अभी 10 बज रहे पर प्रैक्टिकल था सर जी, उसमें हमने लाइन ट्रेस की सर रिंगर आईसी की, उसमें वोल्टेज कैसा आता है, किधर से आता है वो पता लगा सर हमको जी। वो ये बताइए मुझे कि अगर अभी आपके पास जो अगर कोई स्मार्ट पी आता है या आपके पास अगर नॉर्मल पी आता है तो आप उसको बना पाओगे कि नहीं? बना पाऊंगा सर, क्योंकि दोनों के वोल्टेजेस का और काम अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो आप उसको बना पाओगे कि नहीं? बना पाऊंगा सर। और अगर मैं बोलूं कि सीपीयू तक जाना पड़े आपको रिंगर आईसी के, अगर आवाज नहीं आ रही है रिंगर आईसी से आवाज नहीं आ रही है आपको, तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं। सीपीयू उतार लूंगा सर। उतार लोगे? यस सर। और पेड लाइन चेक करो? यस सर। पेड लाइन चेक कर लोगे? पेड लाइन चेक करके माइक्रो जंपरिंग भी कर लूंगा सर। माइक्रो जंपरिंग भी कर लो। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं सागर। हां जी। पालघर से हूं, महाराष्ट्र से। हां जी सर। आज सुबह सर 11 बजे से आया हूं, क्लास ज्वाइन किया सर ने, अब थेरी दी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रैक्टिकल क्लास हुई सर जी। इधर आज ऑडियो का क्लास था, ऑडियो पीए और स्मार्ट पीए, उसमें सर सर ने वो बताया सिखाया, उसके बाद उस सर ने हमें आईसी का 9 बॉल, 14 बॉल, 14 बॉल, 16 बॉल जी, वो तो सीखा है। उसके अलावा उनने डाटा बेस भी निकाले सर, डाटा शीट भी बनाई, मतलब जो बोर्नियो में भी नहीं रहता है सर। बराबर। मतलब बोर्नियो में 2-4 प्रकार के रहते हैं, उन्होंने सर ने जितने बॉल रहते कौन सा एनसी है सब इतना से ज्यादा डाटा शीट आईसी की हमने बना दी सर। बोर्नियो से ज्यादा डाटा शीट आईसी की आपने बना? हमने सर नहीं, सब सिर्फ 4 ही कोडिंग थे, सिर्फ 4 ही कोडिंग थे, और बोर्ने में हमने ढूंढा कि जो लाइन आती है सिर्फ 4 ही लाइन आती है, लेकिन उसमें तो 14 बॉल होते हैं। लेकिन देव सर ने आज हमको खुद प्रैक्टिकली मतलब हमको ऐसा ऐसा दिला है कि इसमें कितनी लाइन होती है, और ये प्रूफ करके दिया सर, और हर स्टूडेंट के पास ये डाटा शीट है, और ये शीट बोर्नियो में भी नहीं है सर। बराबर। ये हम लोग ने देव सर ने हमको जो ट्रिक दिया उससे हमने क्रिएट किया सर। थैंक फॉर देव अग्रवाल सर, एंड थैंक फॉर एजुकेशन टेलीकॉम। थैंक यू। चलिए। हेलो सर। हाँ जी। मेरा नाम राकेश है, नागपुर से हूँ। हाँ जी। जिससे आज क्लास करके मजा आ गया सर जी। 11 बजे आए हम लोग, थेरी का क्लास था 11 से 5 बजे तक जी, देव सर के साथ जी।
कैसा नॉलेज मिला सर के साथ आपको? ऊपर सर। जी सर, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? क्लास में सप्लाई चेक किया, रिंगर आई थी तब। बराबर है। और फिर वहाँ से सीपीयू तक जो एंका पॉइंट था सर, वहाँ से सीपीयू तक ट्रेस किया। पॉइंट मिल गया सर। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल किया डीएसओ का? जी सर किए। क्या बात है, डीएसओ का इस्तेमाल किया? बिल्कुल। कैसा लगा आपको? पहली बार कर रहा है, करते आ रहे थे आप? पहली बार किया सर। पहली बार किया? जी सर। सर आज पता चला कि हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल में देखे थे, लैब में देखे थे कि बीएसओ क्या होता है। सिर्फ इतना हमको मालूम था कि जो है सेल होता था, जैसे हम हॉस्पिटल जाते थे जब आदमी आईसीयू में होता है तो वहां देखा था बीएसओ क्या होता है। लेकिन आज स्पष्टता से पता चला कि हम लोग के फील्ड में भी बीएसओ क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो सर जो यूजर का वर्क है वो किसी मल्टीमीटर में नहीं है। अगर कोई लाइन ट्रेस करनी ऑडियो सेशन की तो उसके मोस्ट ऑफ व्यूज से इंपॉर्टेंट पार्ट सर डीएसओ। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए सर, फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर नहीं दे सकता। बराबर, इसलिए वो डीएसओ बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आई लव यू सर। बाकी आ जाइए। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, भाई किसके पास है भाई? हाँ जी सर, आज मेरी 11वीं से क्लास थी। नाम बताइए, कहाँ से हो आप ये बताइए। सर मैं बिहार से हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है सर। पवन कुमार बिहार से? यस सर। हाँ पवन बताइए। आज मेरी सर देव सर के साथ 11वीं से क्लास थी, 11वीं से 5 बजे तक क्यूरी क्लास थी। उसके बाद हम लोगों ने आके प्रैक्टिकल किया यहाँ। अच्छा, तो प्रैक्टिकल में क्या किया आपने? सर ऑडियो की सप्लाई सर भी जानी। तो ऑडियो की सप्लाई तो सीपीयू तक भी जाती है, तो आप सीपीयू तक गए थे क्या? यस सर। रिंग ऑडियो आईसी में भी जाती है तो आप गए थे क्या? यस सर। डीसी टू डीसी आईसी में भी जाती है तो वहां तक गए थे क्या? सर पूरे टीएसी। स्पीकर के पेंट तक गए थे आप? यस सर। कहां कितने वोल्टेज आते हैं, कहां फ्रीक्वेंसी आती है, सब पता है आपको? यस सर। क्यों पता है भाई? सर यहां पर नॉलेज मिला इसलिए पता है। आपने लाइव ट्रेसिंग करा? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। जी सर, मेरा नाम मनोज यादव है। हाँ जी। मैं यूपी से हूँ। हाँ जी। जी सर, आज 11 बजे से 5 बजे तक देव सर की क्लास चली। हाँ जी। तो जी की उसमें उन्होंने जो भी बताया जी, स्मार्ट पीए, नॉर्मल पीए, उसकी लैब प्रेसिंग, फिर यहाँ पे की लैब में। बराबर है। किस लेवल से करिएगा? 0 से एंडलेस तक। एंडलेस तक। इसके ऊपर कुछ है क्या? इसके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, डीएसओ का इस्तेमाल किया आपने, फ्रीक्वेंसी नापने के लिए? यस सर किया। डीएसओ का इस्तेमाल किया? यस सर। आपको सारे वोल्टेजेस के मेजरमेंट मालूम है आपको? स्मार्ट पीए में क्या होंगे, नॉर्मल पीए में क्या होंगे? सर दोनों के, स्मार्ट पीए, नॉर्मल पीए में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, कितना वोल्टेज आएगा, किस लाइन पे आएगा, ये सारा टेस्ट किया। सारा टेस्ट किया? यस सर। आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं? यस सर, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं। ठीक है। जी सर, मैं भुवनेश्वर। जी नमस्ते, झारखंड से हूँ। नमस्ते, बोलिए सर। आज हमारे सर के साथ 11 बजे से 5 बजे तक हम लोग का क्लास थी, जिसमें हम लोग का ऑडियो सेशन की क्लास हुई। हाँ जी बोलिए। उस 5 बजे के बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास हुई। हाँ जी। जिसमें हम लोग ट्रेसिंग किए। हाँ। किसमें कितना वोल्ट आती है, कौन सा स्मार्ट एडीआईसी, स्मार्ट पीए, नॉर्मल पीए का टेस्टिंग हुआ सर जी। उसमें हम लोग पूरा ट्रेसिंग किए। अच्छा, अभी नॉर्मल पीए आता है, स्मार्ट पीए आता है, तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? जी सर बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। जी सर। तो कैसा लगा प्रैक्टिकल क्लास में? इसका डीएसओ का इस्तेमाल किया आपने? जी सर, डीएसओ इस्तेमाल किए सर। अच्छा, पहली बार किए सर। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। चलिए सर, मेरा नाम हयात है। हयात, आप पीछे भी हो, पीछे भी आप जी। हयात कैसा लगा आज का क्लास देव सर के साथ था आपका, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। सब स्टूडेंट ने नॉर्मल पीए और स्मार्ट पीए सबको ट्रेसिंग कर गए, और क्या है, आपने अपने हाथों से क्या है उसका डायग्राम भी बनाया, डायग्राम भी बनाया, और क्या वही डायग्राम क्या है, बोर्ड में भी नहीं था।
अच्छा पोलेग्राम क्या बहुत नियमित नहीं था, कुछ लाइन था कुछ बाल्स क्या नहीं था, कुछ बाल्स भी क्या डेढ़ साल ने और डिटेल से बता दी, डिटेल से बता दी, इसलिए क्या हम सबको क्या है स्पीड का लाइन क्या है पूरा लाइन और सीपीयू तक जा रहा है वहाँ तक क्या है मालूम हो रहा है। थैंक यू। चलिए हेलो सर, मैं सुजीत गुप्ता फ्रॉम यूपी से। हाँ जी। हाँ सर, तो आज ऑडियो सेशन की मेरी क्लास थी जी, और आज तक मैं जितनी भी आईडी मोबाइल जो है ट्रेस करता था फिंगर से संबंधित, उसमें सिर्फ यही चेक करता था कि जी आर कितना आ रहा है और ये इसकी सप्लाई जा कहाँ रही है, आज तक वोल्टेज कभी चेक ही नहीं किया था कि वोल्टेज भी इस पर आते हैं। आज की क्लास से ऐसा पता लगा कि हाँ इस पर वोल्टेज भी आते हैं और सारे सिग्नल जहाँ से सीधू से जो भी सिग्नल आते हैं वो भी ट्रेस किया गया और सारी चीज़ें बड़ी डीप से पढ़ाई गई। और देव सर के लिए क्या बोलूँ, देव सर तो मेरे हिसाब से तो ऐसे गुरु हैं कि जो सभी को जो है अर्जुन बना सकते हैं, बराबर ऐसे गुरु हैं कि सभी को अर्जुन बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी ना नॉलेज हो तब भी उसको जो है अर्जुन बना सकते हैं, ऐसे गुरु हैं। बराबर, कितना भी वीक स्टूडेंट है यहाँ से सीख ही जाएगा, सीख के जाएगा सर। तो वो प्रैक्टिकल क्लास में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, डीएसओ का इस्तेमाल किया आपने? डीएसओ का इस्तेमाल तो आज पहली बार किया सर। पहली बार किया? यस सर। कैसा लगा पहली बार करके? बस टाइमलेस चीज है, ये टाइमलेस चीज है, प्रैक्टिकल चीज है और शानदार चीज है कि नहीं है? और शानदार, इसके बिना तो आप जैसे लगता है कि कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। कुछ काम नहीं हो पाएगा जी सर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मस्ट है। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट आइए। हो गए सर, तो बहुत बचे हैं अभी, तो बहुत बचे हैं, चलिए आगे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत करो। चलो और आ जाओ। कौन है? अरे जिसका बजे उस तरफ जाओ ना यार। कौन बच्चे हैं? और आइए सर, जो बाकी आगे दस। चलिए सर, मेरा नाम संतोष है, मैं उड़ीसा से हूँ सर। हाँ जी सर, पहला क्लास वो 11 बजे से देव सर के साथ था, जो ऑडियो सेक्शन के बारे में था सर। हाँ जी सर, आज तो पता चला कि ऑडियो सेक्शन में क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या रोल होता है सब में जी। सब आई से कौन सा जो अपना रिसेट का पॉइंट है, क्या रोल है उसका, सब डिटेल बताया सर ने, पूरा एक्सप्लेन किया सर ने। और उससे पहले भी सर मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ दुकान में, कभी मैंने रिंगर का सेक्शन में कभी बनाया नहीं, मतलब जैसे कि खाली डीप चेक करके छोड़ देता था बस। बराबर। अभी वोल्टेज के बारे में, उसका रिसेप्ट के बारे में सब कुछ पता चला, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज। और प्रैक्टिकल में भी सर मैंने दो मोबाइल का टेस्ट किया था, एक जियो फोन का और दूसरा 5G का। जियो फोन में तो ऑडियो वाइस कुछ है तो होता नहीं है, PMI इसमें अपना जो पावर आईसी में खोल के करना पड़ता है, तो मैंने उसका भी टेस्ट किया सर। आपकी PMI आपकी रिंगर आईसी भी होती है, ऑडियो आईसी भी होती है? हाँ सर जी। और बाकी आपने आज ट्रेसिंग करी है आपने? हाँ सर। हाँ सर, एक रिंगर आईसी की जो बॉल होती है आपकी कहाँ कहाँ जाती है? हाँ सर, सब किस किस पॉइंट में जाती है? हाँ सर, अगर आरडीओ में जाती है तो कौन से नंबर की पिन पे जाती है? हाँ सर, है ना। अगर सीपीयू में जाती है तो कहाँ जाती है? हाँ सर, अगर बीपीएस से जुड़ी है तो कहाँ से जाती है लाइन, कहाँ से मिली? हाँ सर, क्लियर है पूरा? हाँ सर पूरा। अभी स्मार्ट भी आता है, नॉर्मल भी आता है, तो बना सकते हैं? चलिए ठीक है जी। सर मैं हैदराबाद से हूँ और मेरा नाम शेख अली है। तो आज हमारा ऑडियो सेक्शन का क्लास था सर। तो पहले आपको रिसीवर का जो सप्लाई है उसके बारे में बताएगा, और उसके बाद स्पीकर की जो सप्लाई रहती जी उसके बारे में बताएगा। तो जितना ही बताएगा पूरा एंडलेस था सर। हमने ऐसी के पैटर्न तक ट्रेसिंग किया आज। तो देव सर जितना ही बताया उसका तो लाजवाब सर। मैंने तो आज पहली बार सुना है ऐसी क्लास, तो हमको पहले पता नहीं था कि ऑडियो पीए क्या होता है, नॉर्मल पीए क्या होता, स्मार्ट पीए क्या होता है। तो हमको जितना भी पहले कल से पढ़ा है, उसके बाद हमारी 5 बजे क्लास खत्म हुई तो हम सीधे प्रैक्टिकल लैब में उसको पूरे अच्छे तरीके से ट्रेस किया सर। तो DSO का इस्तेमाल किया? हाँ सर, DSO का इस्तेमाल किया, मैंने पहली बार इस्तेमाल किया सर। अच्छा, और साथ में आपने पेट टू पेट? यस सर, पेट टू पेट चेक किया सर मैंने रजिस्टर से। अगर 14 वाल की रिंगर आईसी है आपकी या 36 वाल का स्मार्ट भी है तो पेट टू पेट जानकारी है आपको? हाँ सर, जानकारी। कौन सी बॉल कहाँ जाएगी, कहाँ क्या रोल है इसका, कितना वोल्टेज आएगा, क्या GR आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, सर मालूम है सर, मालूम। बड़ी बात बोल रहे हो, सारी चीजें याद करी है आपने। हाँ सर, मैंने ये DSO को चलाया आपने? सर डाटा शीट भी बनाया है। डाटा शीट भी बनाया, DSO को चलाया आपने? यस सर, चलाया सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट।
हाय सर, मेरा नाम इमरान है। हाँ जी, मैं आंद्रा से हूँ सर। हाँ जी, आज सवेरे आए थे, आज लाइव में मैं पावर आईसीबी सॉरी सीपीयू रिवाल किया लाइव में। ठीक है, फिर 11 बजे से सार का क्लास था ऑडियो सेक्शन पे। सीपीयू